नमस्कार दोस्तों, कोटोडा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवारों के वीडियोस को हम दिखा रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि हम एक और परिवार से मिलने वाले हैं। अभी ये एक परिवार नहीं है, दो परिवार है। आप पीछे देख सकते हैं, एक झोपड़ी है और एक आगे जो लोग खड़े हैं उनके पीछे की साइड में एक और एक दो झोपड़ियाँ हैं। और इन दोनों झोपड़ियों में ये दो परिवार रहते हैं। और ये जो दोनों परिवार है वो उदयपुर ज़िले की कोटोडा तहसील के जेड़ पंचायत के भाटा के पानी के गाँव के हैं। और आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, आखिर इनका यहाँ पर रहने का क्या कारण है। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है वही कारण जो बाकी परिवारों के इस तरह बाहर रहने का था। तो यहाँ पर एक भाई है, उनसे बात करेंगे। होना मैं था रावो ते एक हाथ है मोइना इतना मर जो फाबे ना मिल रहा हो कितना टाइम आ रहे हो एक हाथ 11 साल भाई 11 साल नहीं था हमारे गांव के हुए गांव पाठन पानी है ते एक हाथ रहा हूँ ले वाला था हमारे गांव में क्यों रहता नहीं गाँव लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहता कारण है मारे ठू कर रही रही गाँव में बेहवा मैं देता है। अच्छा ते था मैं गाँव में जाता हूँ क्या गाँव में जाता लड़ाई करें। अच्छा ते थे हमारी खारी कोई जमीन है कि किम कोई जमीन नहीं कोई नहीं कुआ रहा दर पर बैठा रहा था कहाँ ते वो कुओ कौन है कुओ हनारा। अच्छा बराबर ते थे हमारी सो रहा नहीं पैनवा कोई जाए के कोई पढ़ाई नहीं कोई नहीं तेरा मजी कर रही है ऐसा तकलीफ आ है। अच्छा कुआ खाए मैं मजरी का इनकम इन खबर ना पोस्ट तो फोन कर रही है यानी नहीं केड़ा पैनवा ना ते थे हमारे कोई राशन कार्ड के आधार कार्ड के वो बने आधार कार्ड नहीं राशन कार्ड नहीं कोई परमिट नहीं कोई ऐसे नहीं तो थे मतलब थे हमारा एक हार उस रेवन है के पास गम में जावन गम में जावन ने निकस रहे ने मगर जिमर उतर नहीं रहे हमारा पूरा नहीं सोर और सोर ते थे मैं गम में जाए तो हूं के गम वाला थे मैं गम ना तो लड़ाई करें तैयार है देखा दे मैं थर थर वाले तो जमीन पे जमीन जमीन का कब्जा करके बैठा कौन बेवा दे ते एक हार थे मैं मतलब हार थे हमारा खावन पूरा हो जाए एक खावा पी मेरी हूं व्यवस्था है तेरा नहीं तो मेरी रे मैं तो ने मजदूरी कर खाई रह जा तो थे मैं तकलीफ कोई हुआ के नहीं होती का रहता तकलीफ का पैरा ये गम में बेवाई तकलीफ भी जन कौन बेवा दे तेरा जी जगह जन पीछे जगह कोई डाल कर पुवाड़ी है तो मैंने लड़ाई कर लो कितना फर्क ते थे मतलब पुलिस मां की इनका रिपोर्ट नहीं आली के हमार गम में आवनो है पण गम वाला आवना नहीं देता पुलिस मां आली पण पुलिस सुनवाई कर पुलिस तो बिनो नहीं बैठी है ते थे मैं बार हूं सही रह जाओ यार गम में जाओ सही रह यार बीजू हूं कर रहे तो दोस्तों ये जो लोग है थे बार रहे वो हूँ गम है नांदिया। तो दोस्तों ये जो दो परिवार है वो भाटा के पानी के रहने वाले हैं उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के जेड़ पंचायत के, लेकिन फिलहाल नांदिया में रहते हैं। और ये जो है वो पिंडवाड़ा तहसील सिरोही ज़िले में है। और आप देख सकते हैं कि इनकी झोपड़ियाँ है, बच्चे जो है वो भी पढ़ाई नहीं करते हैं। और साथ ही साथ में इनके पास कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि सुनने वाले जो अधिकारी हैं और जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे परिवार जो अपने गांव से दूर आकर रह रहे हैं और इनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वीडियो को आगे से आगे और लोगों तक पहुँचाए और अधिकारियों तक पहुँचाए ताकि इनके लिए जो व्यवस्थाएँ आखिर होनी चाहिए वो हो सके। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।